सबसे पहले तो मैं आज के ये जो महत्वपूर्ण लक्ष्य को भारत ने सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया है चंद्रयान 3 का चांद पे लैंडिंग के लिए, उसके लिए भारत की तरफ से आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन इसरो के वैज्ञानिकों का करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का नेतृत्व भारत को मिला है पिछले 9 वर्षों में, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि भारत जो भी कर रहा है वह वैश्विक स्तर पे कर रहा है। स्केल स्पीड यह एक महत्वपूर्ण चीज है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की, और वो ग्लोबल लेवल पे उसकी पहचान बनती जा रही है। तो मैं आपके सबकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे नीरज जी ने बताया और यहाँ मंच पर मेरे साथ हमारे बहुत पुराने साथी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें विशेषकर चुन्नू जिंदल जी, अशोक अग्रवाल जी, सुभाष अग्रवाल जी, नरेश जी, यशपाल मेहंदी रत्ता जी और लोहिया साहब, और यहाँ पर सामने भी जीडी गोयल जी, प्रवीण कांत जी और अवनीश पाटा जी और बहुत सारे इस एकल प्रकल्प से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये जो प्रकल्प है अगर हम इसको देखें तो जिस तरह से यह प्रकल्प चल रहा है, उत्थान का समग्र उत्थान की बात की जो फिल्म में दिखाई थी, आप सब भी देखेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। कि जो समग्रता के साथ विकास की बात इसमें हो रही है, केवल शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा के साथ विभिन्न पहलुओं को किसानों को कैसे उसकी समस्या का उसमें किसानों की समस्या का कैसे समाधान हो, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो और ग्रामीण विकास कैसे काम हो, ये समग्रता से अपने श्याम जी गुप्त जी के नेतृत्व में यह जो काम चल रहा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है कि देश के लिए है। और अभी डॉक्टर सुभाष सरकार ने भी कुछ बातें की, मैं तो थोड़ी सी बात ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा संवेदना की आवश्यकता है, विद्यार्थी को जो संस्कार मिलते हैं बचपन में उससे जो आगे बढ़ता है विद्यार्थी, तो वो संवेदना अगर होती है तो देश के कामों में वो बहुत तेजी से जुड़ सकता है। लेकिन मैं एक शंकराचार्य जी की बात मेरे ध्यान में बचपन में आती थी तो वह मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सिंपैथी सबसे आवश्यक है, उन्होंने कहा कि ऑल पैथीज, जब हम हेल्थ की भी बात करते हैं चाहे एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, ऑल पैथीज आर यूजलेस अनलेस यू हैव सिंपैथी। तो सिंपैथी का जो महत्व है और वह संस्कार का जो महत्व है, भारत की संस्कृति में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यह पूरे गुण संस्कार हमें यहाँ मिलते हैं। दूसरा चिन्मय मिशन, स्वामी चिन्मयानंद जी की भी एक बात मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ, वो यह है, उन्होंने कहा कि कई बार हमें गुस्से में कहते हैं या कई पढ़ते हैं कि मैनी चाइल्ड आर यूजलेस, उन्होंने कहा नो चाइल्ड इज यूजलेस, इट इज ओनली दैट सम चाइल्ड आर यूज्डलेस। तो इसका जिम्मेदारी हम सबके प्रति है, एकल इस जिम्मेदारी को निभा रहा है, सरकार इसके ऊपर बहुत सा काम कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देश में ये लगता है कि एजुकेशन में ये हो रहा है कि पिछली सारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वह ऐसा एजुकेशन सिस्टम से बच्चों को तैयार करते थे कि वह हरदम नौकरी के पीछे जाए। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जो आज कहते हैं एवरेज भारत की जनसंख्या में एवरेज एज 29 वर्ष की है, अगर और हर साल हर महीने 10 लाख लोग रोजगार के लिए नए हर महीने में आते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर नौकरी के पीछे जाएगी तो वह कोई भी विश्व की ताकत उसको नौकरी के रूप में नहीं दे सकता। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना है, उन्हें स्किलिंग करनी है, उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स उन्हें देने और भारत की संस्कृति संस्कार के साथ जोड़ना है। तो जो पंच प्राण जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के साथ दिए, कि वह सारे संदेश को हम एकल विद्यालय की तरफ आगे ले जा रहे हैं। आप सब लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे यहाँ बुलाया,
और जो आप लोगों ने शांति से मेरी बात सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे।